अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आज के जो व्लॉग है उसमें मैं फेस्टिव मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, और वो भी बहुत ही आसान है। इसको कोई भी कर सकता है और बहुत ही आसानी से कर सकता है और बहुत कम टाइम में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आई होप यू विल लाइक इट। तो सबसे पहले आपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लेना है। उसके बाद मैं मिल्क की जो फाउंडेशन है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और अच्छी तरह से इसको अपने फेस पे स्प्रेड कर दूँगी। मैंने थोड़ा सा वेट लूज़ किया है तो इसलिए आपको मेरे फेस में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो इसके बाद मैं कवर गर्ल का जो है फेस पाउडर, उससे मैं फेस पे पाउडर अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो मेकअप होता है, फाउंडेशन लगी होती है, वो देर तक लगी रहती है। आज का जो मेरा ड्रेस है वो रेड है, तो मैं मेकअप भी उसी लिहाज से कर रही हूँ। और जो लिप लाइनर है वो भी मैंने रेड कलर का पहले यूज़ किया है, लिप पेंसिल जो होती है, उसके बाद मैं रेड कलर की इसके ऊपर से लिपस्टिक लगाऊंगी। और लिप पेंसिल को मैं अच्छी तरह से पूरे लिप्स पे जो है स्प्रेड कर दूंगी। इससे मेरी लिपस्टिक जो है वो आसानी से उतरती नहीं है। इसके बाद मैं मैक की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, और इसका नंबर है Glam 3। वैसे तो मैंने मेकअप से पहले फाउंडेशन पूरे फेस पे अच्छी तरह से लगा ली थी, लेकिन अब मैं आई शेड्स लगाने से पहले मैरी के की जो लिक्विड फाउंडेशन है वो अपनी आईज़ के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी, ताकि आई शेड्स जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। और ये जो फाउंडेशन है इसको मैंने आईज़ के ऊपर और आईज़ के नीचे भी अच्छी तरह से लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, मेरा जब वेट लूज़ होता है तो मेरे जो फेस के ऊपर सबसे ज़्यादा उसका असर पड़ता है। तो मैं अपनी वीडियो में देख सकती हूँ कि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील हो रहा है। और अब मैंने आईब्रो को अच्छी तरह से फिल कर लिया, और इसको इसके ऊपर अच्छी तरह से ब्रश भी कर लिया ताकि ये इवन हो जाए। तो अब बारी है आई शेड्स की, और मैं सबसे पहले जो है पिंक, ये पीच सा जो कलर है, ये सबसे पहले आईज़ के ऊपर लगाऊंगी, और इसके बाद मैं इसके ऊपर गोल्डन शेड लगाऊंगी। तो ये जो आई शेड हैं ये बॉबी ब्राउन के हैं, और मैं आई पे जो है पिंक शेड लगा रही हूँ। और पिंक शेड लगाने के बाद मैं इसके ऊपर गोल्डन शेड अप्लाई करूँगी, और आउटर वी पे मैंने डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया है। मैंने गोल्डन और ब्राउन शेड यूज़ किया था, जो ब्राउन शेड है वो आउटर वी पे मैंने यूज़ किया था। उसके बाद आईलैश कलर जो है उससे मैं लैश को कर्ल कर लूँगी। और वाटर लाइन पे एज़ यूजुअल मैं वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इससे मैंने आपको बताया था कि जो आईज़ हैं वो बड़ी नज़र आती हैं। अब मैं अपनी ब्रो बोन के ऊपर सिल्वर हाइलाइटर यूज़ करूँगी। ब्रो बोन के ऊपर मैंने हाइलाइटर लगा लिया है, और इसके बाद जो है मैं मस्कारा यूज़ करूँगी रिमल का। और ये रिमल का मस्कारा है। जब मैंने मस्कारा लगाया तो मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया था, तो मैंने फिर सोचा था कि मैं लैशेस नहीं लगाऊंगी। लेकिन जब मैं डन हो गई थी तो मुझे कुछ कमी लग रही थी, मैंने फिर दोबारा से लैशेस लगा ली। और ये जो आई शेड्स हैं ये मैंने जो ब्राउन शेड आउटर वी कॉर्नर पे लगाया था, वही ब्राउन शेड मैंने नीचे की तरफ भी थोड़ा सा लगा दिया था। ज़्यादा नहीं लगाया था, बस नीचे की तरफ थोड़ा सा लगाया था। और अब मैं लगा रही हूँ आईलाइनर, और मैंने अब ये थोड़ा सा क्लोज़अप कर दिया है। तो आप ये अब देख सकते हैं कि ये जो आईज़ हैं इसमें मैंने पीच कलर, गोल्ड कलर और साथ में ब्राउन कलर यूज़ किया है, और जो ब्राउन कलर है वो नीचे की तरफ भी हल्का सा मैंने यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, ये एल्फ की पाउडर ब्लश पैलेट है, ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। ये मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ये कैसी है, लेकिन मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ कि ये कैसी है। तो ये मैंने जो है ये ब्राउन सा शेड है जो मैंने कंटूरिंग करने के लिए लिया था, और लेकिन ये जब मैंने लगाया तो मुझे इसका कोई ख़ास मज़ा नहीं आया था। तो मैंने जो मैं बॉबी ब्राउन की किट यूज़ करती हूँ वही मैंने शेड यूज़ किया था।
तो आप देख सकती हैं कि मैंने सबसे पहले नोज़ की है, उसके बाद मैं चीक्स की करूँगी और उसके बाद फोरहेड की और फिर नेक की। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका फेस जो है वो छोटा नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, ये फेस की मैं कंटूरिंग कर रही हूँ अच्छी तरह से, नोज़ की मैंने कर ली है, नेक की कर रही हूँ और उसके बाद जो है मैंने ब्लश लगा लिया है। और अब मैं फेस पे हल्का सा हाइलाइटर यूज़ करूँगी जो कि ब्यूटी एसेंशियल के साथ ही आया था। ब्यूटी एसेंशियल जो है वो आईब्रो की किट है, उससे हम आईब्रोज बना सकते हैं और ये जो है हाइलाइट भी कर सकते हैं। हाइलाइटर का मुझे उसका कलर बहुत अच्छा लगता है। तो मेकअप हो गया कंप्लीट और अब मैं ये देख रही थी कि आईज़ जो है वो सही बनी है। आईज़ आप भी देख सकते हैं कि बहुत लाइट सा मेकअप है, बहुत इजी है, इसको आप हर कोई कर सकता है। और ये मैंने ड्रेस जो है पहन लिया है और अब मैं ज्वेलरी पहनने लगी हूँ। ये ज्वेलरी जो है ये मैंने ली थी मार्शल से, ये जो ईयरिंग्स हैं इसके मार्शल से मैंने लिए थे और जो नेकलेस मैं पहनूंगी वो मेसीज का है। और ईयरिंग्स जो है ये पहनने के बाद जो है मैं सोचा था कि मेरा जो मेकअप है वो कंप्लीट हो जाएगा, ज्वेलरी, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था किसी चीज़ की कमी है। फिर मैंने जो है वो नेकलेस पहन लिया था। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी फाइनल लुक आफ्टर ज्वेलरी एंड मेकअप एंड ड्रेस। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको आज की जो ये लुक है ये कैसी लगी, फेस्टिव लुक। और आपको बहुत जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।